दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में देश के पूर्वी दक्षिणी और उत्तरी भागों में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की व्यवहारता पर अध्ययन शुरू करने की घोषणा कर दी है। अब आप बोलोगे पश्चिम को क्यों छोड़ दिया गया, भारत के पूर्वी हिस्से में बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा, दक्षिणी हिस्से में बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा, उत्तर भारत में भी बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा, फिर यहाँ पर पश्चिम भारत का नाम क्यों नहीं मेंशन है? तो गाइस आपको बता दें कि ये जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन बन रहा है ये पश्चिम में ही बन रहा है, तो पश्चिम को ऑलरेडी बुलेट ट्रेन मिल चुका है। 2027 से बुलेट ट्रेन आम पब्लिक के लिए ऑपरेशनल भी हो जाएगा। अब जो नंबर आता है वो आता है पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणी भारत और उत्तर भारत वाले लोगों के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विशेष रूप से दक्षिण भारत बुलेट ट्रेन के बारे में जानेंगे। आप अगर कमेंट करोगे तो मैं पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत के बुलेट ट्रेन पर भी अलग अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशल रूप से दक्षिण भारत के बुलेट ट्रेन के बारे में जानते हैं कि दक्षिण भारत में टोटल कितने बुलेट ट्रेन चलाए जाएंगे, वो बुलेट ट्रेन कौन कौन से है और दक्षिण भारत के बुलेट ट्रेन का काम कब स्टार्ट हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। भारत में जो पहला बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लिया गया वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद के बीच में है और इसमें जापान के साथ सहयोग किया गया है। जापान बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी में पायनियर है, 1969 में उन्होंने ये काम चालू किया था, तो उनके सहयोग के साथ ये काम चालू हुआ है। इस क्षेत्रीय संपर्क को बदलने तथा दक्षिण भारत में आर्थिक गतिविधि को बदलने की उनकी क्षमता के लिए तीन मार्गों पर विचार किया जा रहा है। जी हां गाइस, दक्षिण भारत में तीन बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। आने वाले टाइम में तो कई सारे बुलेट ट्रेन होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तीन पर DPR रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। आइए इन तीनों को एक एक करके जानते हैं। नंबर वन पर है हैदराबाद बेंगलुरु मैसूर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, यानी कि हैदराबाद से बेंगलुरु के बीच में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जाएगा। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है जो कि एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है, जहां सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT सेक्टर काफी ज्यादा मजबूत है। यहां अमेरिका के बाहर गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और एप्पल जैसी कई बड़ी बड़ी प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां अपना प्लांट सेटअप करके बैठ चुकी है। यही कारण है कि हैदराबाद तेलंगाना में रहने वाले लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी अच्छी है। तो हैदराबाद और तेलंगाना ये ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं। इनको कनेक्ट किया जाएगा बुलेट ट्रेन के माध्यम से बेंगलुरु से। बेंगलुरु जो कि दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता प्रौद्योगिकी केंद्र है, जहां अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल इन सब के अनुसंधान और विकास यानी कि R&D केंद्र मौजूद हैं। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि बेंगलुरु के IT सेक्टर में 4 मिलियन से अधिक लोग काम करते हैं। मैसूर में L&T इन्फोटेक और विप्रो जैसी प्रमुख IT कंपनियां भी स्थित है। यहां लॉर्सन एंड टुब्रो, BEML और KSIC भी मौजूद है। कर्नाटक की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देने वाले दो शहर बेंगलुरु और मैसूर है। तो दक्षिण भारत में हैदराबाद, बेंगलुरु और मैसूर को मिलाते हुए 600 किलोमीटर का एक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो इन दिग्गज शहरों के बीच यात्रा को कम करेगा। मैसूर में उद्योग और पर्यटन को दोनों महानगरों तक आसान पहुंच मिलेगी, जबकि हैदराबाद और बेंगलुरु में प्रौद्योगिकी क्षेत्र को अधिक कुशल व्यावसायिक यात्रा और संसाधन साझा करने से लाभ होगा। नंबर दो पर है विशाखापट्टनम अमरावती हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। दोस्तों विशाखापट्टनम अपने इस्पात संयंत्रों और CPR के लिए एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। आंध्र प्रदेश की वास्तविक राजधानी अमरावती एक आधुनिक, हरा भरा और टिकाऊ शहर है। यह 700 किलोमीटर का मार्ग हैदराबाद द्वारा पूरा किया जा सकता है, जो एक मजबूत IT उद्योग के साथ एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यह गलियारा अमरावती के प्रशासनिक कार्यों और हैदराबाद की तकनीकी क्षमताओं को विशाखापट्टनम की औद्योगिक ताकत से जोड़ सकता है। व्यापार के लिए विशाखापट्टनम की बंदरगाह सुविधाओं का लाभ उठाना, अमरावती में महत्वाकांक्षी शहरी परियोजनाओं में निवेश करना तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, यह मार्ग संसाधनों और विचारों के हस्तांतरण को भी सुगम बना सकता है, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। नंबर तीन पर है चेन्नई कोयम्बटूर कोची तिरुवनंतपुरम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। दोस्तों देश का सबसे बड़ा औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र चेन्नई ऑटोमोबाइल, चिकित्सा पर्यटन, हार्डवेयर, डेटा सेंटर और वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी कि फिनटेक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यह एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है जिसमें कपड़ा और इंजीनियरिंग क्षेत्र विकसित है। यह एशिया की कुछ सबसे बड़ी परिधान कंपनियों का घर है जो कई देशों को होजरी फैब्रिक निर्यात करती है। यह भारत के प्रमुख स्वर्ण आभूषण निर्माण केंद्रों में से एक है जिसमें कई छोटी इंजीनियरिंग कंपनियां हैं। कोची एक मजबूत समुद्री अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार के प्रवेश द्वार के साथ एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। विनिर्माण, जहाज निर्माण, समुद्री भोजन और मसाला निर्यात और रासायनिक उद्योग का सबसे बड़ा व्यापार क्षेत्र है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और सरकारी केंद्र है। 850 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर विभिन्न दक्षिणी भारतीय शहरों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देगा तथा व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा देगा। बेहतर कनेक्टिविटी से चेन्नई की कंपनियों को कोयम्बटूर के औद्योगिक साझेदारी के साथ अधिक प्रभाव ढंग से संयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए कोची
की बंदरगाह सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगा। तिरुवनंतपुरम में प्रशासनिक कार्यों के लिए शेष क्षेत्र का बेहतर पहुंच भी उपलब्ध होगा। कुल मिलाकर बुलेट ट्रेनों की शुरुआत से न केवल इस मार्ग पर विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि क्षेत्र में उपयोगी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।